कोई अक्षय कुमार बने हेरा फेरी थ्री ना बनने की वजह क्या है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों से बातें करेंगे। दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी हेरा फेरी जो कि ब्लॉकबस्टर, फिर हेरा फेरी जो कि ब्लॉकबस्टर टू, तो दोस्तों दोनों सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मतलब कि आप मूवी देख लोगे ना, कॉमेडी इसकी जितनी कॉमेडी थी ना इस मूवी में दोस्तों, आप ना इस पर जमीन देख रहे हो ना, इधर बोले तो गुलटियाँ मार मार के हंसोगे आप, इतनी कॉमेडी थी दोस्तों। सुपर था अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ए गणपत राव आपते, सुपर। लोगों का बस एक ही विश्वास था कि ये थ्री बनेगा, फिलोजे नाडिया वाला। यहाँ दोस्तों सबका विश्वास था कि ये मूवी को तीसरा पार्ट आएगा, लेकिन वक्त इतना जल्दी बीता कि आज करीब 2007 में आई थी दोस्तों, 13 साल पूरा हो चुका है फिर हेरा फेरी। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इसका कारण अक्षय कुमार है जो कि हेरा फेरी थ्री नहीं बनी है। तो दोस्तों आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, क्या कारण है मैं आप लोगों का बताने वाला हूँ। वजह क्या था मैं आपको बताता हूँ। अक्षय कुमार ने बहुत अहमियत बात रख दी थी फिरोजी नाडिया वाला के सामने कि अगर आप इस मूवी को बनाते हो तो ये मूवी का जो कमाई होगा उसमें से 100% में से 70% मेरे को चाहिए। तो जाहिर सी बात है 100 रुपया में 70 रुपया अक्षय कुमार को देने का था, लेकिन फिरोजी नाडिया ने इनकार कर दिया और ये मूवी को डब्बा में से पैक करके रख दिया। लेकिन आपको बता दूँ कि इसकी स्क्रिप्ट वगैरह टोटल लिख के तैयार है दोस्तों, बस अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल को कॉस्ट्यूम पहना के बस एक्टिंग कराने का, लेकिन फिरोजी नाडिया वाला के ऊपर आप ये कि कब वो मूवी को बनाते हैं और अक्षय कुमार कब इस सौदे को नाक बोलते हैं। तो बस भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये मूवी का सीक्वल तो बनना ही चाहिए था, फिर हेरा फेरी थ्री एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती। बोले तो यार एक बेहतरीन कॉमेडी थी 2007 की, सुपर था, मज़ा आ जाता है दोस्तों। जॉनी लीवर बोले तो परेश रावल का वो कॉमेडी यार, कोल्हापुर वाला, मज़ा आ जाता है यार, सुपर है। तो आप लोगों की क्या राय कि इस मूवी का सीक्वल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।